फ्रेंड्स, तो आज मैं आया हूँ अपनी नई वीडियो लेते अबाउट एसी, एसी मतलब एयर कंडीशन। आप देख रहे हैं, आप गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, तो बहुत सारे लोग जो हैं ये कन्फ्यूज हो जाते हैं अपने जो रूम है उसमें अपने रूम के साइज़ के हिसाब से कौन सा एसी हम घर में फिट करवाएं, मतलब 1.5 टन 2 टन 3 टन। यहाँ पर मैं बात नहीं करूँगा कंपनी के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए, यहाँ पर सिर्फ मैं बात करूँगा एसी के लिए। अकॉर्डिंग टू योर रूम साइज, हाउ मच टन एसी डू यू नीड, रूम साइज के हिसाब से कितने टन मतलब ए सी डलवाएं आप। दोस्तों, जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें चैनल मेरा, एंड मेरी सीरीज जो चल रही है उसकी वीडियो चलाने वाली है। एंड आई चलते अपने टॉपिक पे, तो मेरे पास टॉपिक था एसी एयर कंडीशनर। अकॉर्डिंग टू योर रूम साइज, हाउ मच टन डू यू नीड, रूम साइज के हिसाब से कितने टन ए सी डलवाएं। दोस्तों, हम बेसिक पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही सिंपल वीडियो, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली, और मैंने बहुत छोटा इसे कर दिया है। यहाँ पे मैं कंपनी नहीं बताऊँगा, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको सिर्फ बेसिक पॉइंट बताऊँगा, और वो सिर्फ आपको देखना है, आपका रूम देना पड़ा है और कितना साइज है उसके हिसाब से आप अपना एसी जो है टेंथ के हिसाब से आप डलवा सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने बेसिक पॉइंट वन पे। तो 100 स्क्वायर फीट मतलब 100 स्क्वायर फीट का मतलब होता है 10 फीट बाय 10 फीट का रूम साइज है, तो उसमें हमें 1 टन एसी सफिशेंट होगा। दोस्तों, 100 स्क्वायर फीट होते हैं 10 इंटू 10, अगर यहाँ पे 120 होता है 120, यहाँ पर 10 इंटू 12 रूम साइज मतलब 10 फीट बाय 12 फीट वाला। तो ऐसे मैंने यहाँ पे 100 बाय 120 10 बाय 12 रूम साइज, तो यहाँ पे मेरे पास अगर 120 स्क्वायर फीट एरिया आता है तो यहाँ पे मेरे लिए 1 टन एसी सफिशेंट है। मतलब 100 और 120 में 1 टन एसी काम कर जाएगा, मतलब चाहे वो स्पीड हो चाहे विंडो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आने वाले वीडियो में मैं बताऊँगा एयर कंडीशनर स्प्लिट एसी और विंडो एसी में डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, मैंने आपका जो रूम साइज़ है वो 150 से 170 स्क्वायर फिट है, तो उसमें 1.5 टन एसी सफिशेंट है। दोस्तों, अगर आपका जो रूम साइज़ 200 से 220 स्क्वायर फिट है तो उसमें 2 टन सफिशेंट है आपके लिए वो एसी का टन। दोस्तों, अब समझ में आ रही होगी बात, जैसे जैसे रूम साइज हमारा बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे जो टन है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, आधा आधा बढ़ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ अब थोड़े बड़े रूम साइज़ के लिए, हॉल के लिए आपको डिपेंड करना है, आपको अपने रूम में डलवाना है या फिर अपने हॉल में डलवाना है, यहाँ पे आप बिजनेस के लिए जाते हो या फिर मीटिंग के लिए जाते हो या फिर अपने ऑफिस में। दोस्तों, वो आप पे डिपेंड है, आपका जो रूम साइज़ है वो इतना बड़ा है और जो हॉल या फिर हमारे जो ऑडिटोरियम है उनका साइज़ इतना बड़ा होता है, उस आपसे आप अपना जो टन है वो आप डिसाइड कर सकते हो ईजिली। दोस्तों, मेरे पास लास्ट पॉइंट आता है 225 से 250 स्क्वायर फीट जो एरिया होता है, इसमें बहुत बड़ा एरिया हुआ अपने आप में ये, तो उसमें 2.25 टन का एसी सफिशेंट होता है। अब आप बोल रहे थे 2.25 टन का तो एसी आता ही नहीं है। यहाँ पे मैं कंपनी का नाम नहीं ले रहा, किसी भी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा, पर आता है। आप अगर बाजार जाओगे, बाजार में पता करोगे तो वहाँ पर मिल जाता है आपको आसानी से। हाँ, पर ये थोड़ा महंगा होता है, 2.25 और 2 टन वाला थोड़े महंगे आते हैं ये, पर मिल जाता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था मेरा टॉपिक अबाउट एसी। तो आई होप आपसे वीडियो पसंद रही होगी, और आप अपने जो घर में जो अब गर्मी आने वाली है उनमें अपना एसी आराम से डलवाइए और मज़े लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।